अरे भैया हम लोग फाइव स्टार होटल में नहीं रुके, हमें रेस्ट हाउस पे है। अभी उनको कुछ सवाल पूछते नहीं, आप हमको पूछते खाली। अरे भैया हम लोग फाइव स्टार होटल में नहीं रुके, हमें रेस्ट हाउस पे है। अभी फाइव स्टार होटल पे कौन रुके थे मालूम है ना? वो जो आए थे क्या धर्मशाला में रुके थे वो लोग? 100 रूम बुक किए थे, अभी उसमें हम लोग बात कर रहे क्या? आप लोग पहले वेरीफाई तो करो किधर रुके हम लोग। 45,000 करोड़ और 14,000 करोड़ अलग से, टोटल 60,000 करोड़ का ये निधि है। इरिगेशन जो सिंचन प्रकल्प पिछले 2.5 साल में एक भी नहीं था, अब शुरू बंद थे सब शुरू कर दिया हम लोग, और अभी नए भी आज लगभग 14,000 करोड़ के सिंचन प्रकल्प जो है उसको भी मान्यता दी है। और पिछले 1 साल में, अरे सुनो ना भैया, 35 सिंचन प्रकल्प को मान्यता दी हुई है। हम दोनों थे तो पहले दो ही थे हम कैबिनेट में पहले, तभी से सिंचन प्रकल्प के पीछे पड़े हम लोग स्पीड ब्रेकर डालने वाले नहीं है, रुकावट करने वाले नहीं है, प्रकल्पों को रोकने वाले नहीं है, शुरू करने वाले लोग है। बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा मराठवाड़ा सूखा पीड़ित इलाका जो है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। केंद्र सरकार के अभी वो मंत्री जी को भी मैं मिला था, देवेंद्र जी, तो उनको बार बार बात कर रहे हैं, और इसलिए मराठवाड़ा में जो सूखा पीड़ित इलाका है उसको हम पानी देंगे। वो मराठवाड़ा वाटर ग्रिड जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे ना तभी किया था, और फिर जब सरकार चली गई तो उसको बंद ठंडे बस्ते में डाल दिया, साइड में डाल दिया। अभी उनको कुछ सवाल पूछते नहीं, आप हमको पूछते खाली।